बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। नेमल कुकिंग एंड लाइफ में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए लाए हैं देसी घी बनाने की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज हम देसी घी बना रहे हैं। इसके लिए हमने एक देगची में मक्खन लिया है, इसे हम चूल्हे पर रख कर पकाएँगे। व्यूअर्स, हमने मक्खन को चूल्हे पर रख दिया है और फ्लेम ऑन कर दिया है, इसे हम पका रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, देखिए हमारा मक्खन मेल्ट हो रहा है, ये पक रहा है, अब ये बॉयल होगा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जो मक्खन हमने चूल्हे पर रखा था बनने के लिए, देसी घी उसका तैयार हो गया है। बस एक मिनट उसे हमने और पकाना है, पानी इसका अच्छी तरह खुश करना है, जो उसके अंदर पानी है वो अच्छी तरह जब खुश्क हो जाएगा तो हमारा देसी घी बिल्कुल रेडी हो जाएगा, होम मेड देसी घी। अगर इसमें थोड़ा सा भी मक्खन का पानी, लस्सी थोड़ी सी रह जाए तो देसी घी ख़राब हो जाता है, इसमें फफूंदी लग जाती है, वो ज़ाया हो जाता है, स्मेल छोड़ देता है। व्यूज़, आप देख सकते हैं हमारा देसी घी बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए नीचे से देगची रेड हो गई है, यानी कि मक्खन के अंदर जो पानी होता है वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में डाल लेंगे। व्यूअर्स, हमारा होम मेड खालिस देसी घी बिल्कुल रेडी है। आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं, बाहर के देसी घी से बहुत बेहतर है। व्यूअर्स, आप भी हमारे तरीके से बनाएँ और हमें फीडबैक दें। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।